बिग बॉस 15 के जंगलवासियों को मिला बिग बॉस के मेन हाउस में जाने का एक सुनहरा अवसर, जहां बिग बॉस ने घर वालों को भेजा हाउस पाथ ब्लूप्रिंट नाम का मेन हाउस का नक्शा, जिसे टास्क शुरू होने से पहले ही प्रतीक ने जय भानुशाली के हाथ से खींच के घर में छुपा दिया। नक्शा छुपाने में प्रतीक का बराबर साथ दिया निशांत भट्ट ने। सभी जंगलवासी प्रतीक, शमिता और निशांत से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैप वापस दे दो। मैप ढूंढने के लिए सभी जंगलवासी मेन हाउस में एंटर करते हैं और छानबीन करते हुए सारा फर्नीचर उलट पलट कर देते हैं। जय भानुशाली की सभी चीजें यहाँ से वहाँ फेंकने पर प्रतीक कहते हैं, अपना हाथ मत चलाओ और ऐसा किया तो मैं यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करूंगा। जय उसे बीच में से हटने को कहते हैं। फिर सभी जंगलवासी अपने घर में जाके राउंड टेबल लेके दोनों घरों के बीच का रास्ता बंद कर देते हैं, जिसे एक तरफ से प्रतीक और निशांत धक्का मारते हैं तो दूसरी तरफ से सभी जंगलवासी। फिर प्रतीक कांच की दीवार में कैमरा के गैप से हाथ निकाल के सभी को बीच में से टेबल हटाने को कहते हैं, जहां जय के साथ सभी घर वाले प्रतीक से नक्शा मांगते हैं और इसी बीच जय गाली दे देते हैं। गाली सुन के प्रतीक जय का टी शर्ट खींचते हैं और मेरा कॉलर छोड़ करके जय भी चिल्लाते हैं और इसी खींचातानी में बीच का कांच टूट जाता है। जय भी भड़कते हैं कि अब मेरा कॉलर पकड़ा है तो सारे रूल्स खत्म। इसी बीच प्रतीक जंगलवासियों के घर में आ जाते हैं और सभी जंगलवासी फिर से प्रतीक से मैप मांगने लगते हैं और प्रतीक मेन घर में फिर से जाने के लिए दरवाजे पे रखा टेबल हटाने में खींचातानी करते हैं, जिसपे करण कुंद्रा भी प्रतीक पे भड़कते हैं कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पे लेकिन तू ही सिर्फ फिजिकल हो रहा है। जिसके बाद फिर से जय आके प्रतीक को कहते हैं कि तूने मेरा कॉलर पकड़ा है, अगर बाहर मिलता तो बताता। जिसपे फिर से दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं और जय की गाली सुन के प्रतीक ज्यादा भड़क जाते हैं, जिससे कि वो जय की तरफ जाके कंधे से कंधा टकराते हैं। भड़के हुए जय और प्रतीक को सभी घर वाले मुश्किल से अलग करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको बता दे कि घर में जो भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ या रूल्स टूटे, उसके दंड स्वरूप बिग बॉस ने सभी जंगलवासियों को नॉमिनेट कर दिया है। वहीं आज का एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा कि जय और प्रतीक में से कौन सही है और कौन गलत।